नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रचना बंसल। वक्त है इंडिया न्यूज के सबसे बड़े शो आज का रिपोर्टर का। भारत बंद का कितना असर कहां कहां पर हुआ है, हर जगह से हम ग्राउंड जीरो से आज आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि जिन बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं आखिर वहां पर माहौल अभी क्या कुछ बना हुआ है, और उसके बाद आपको अलग अलग शहरों से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम रिपोर्टर्स के जरिए भी दिखाएंगे। क्योंकि अब 11 बज चुके हैं और 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मेन भारत बंद का असर दिखाई देगा। चक्का जाम पूरी तरीके से रहेगा और इसीलिए सुबह से लगातार हम अपने दर्शकों से कहते रहे कि आप वक्त से अपने घर से निकलिएगा, अगर जरूरी काम से निकलना है तो। आपको तमाम तस्वीरें दिखाएं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा आरोप दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर लगा दिया है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। कल सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे, लौटने के बाद अरविंद केजरीवाल को घर में ही नजरबंद कर दिया गया ताकि सियासत इस पर हो ना पाए, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। और इसी के चलते अरविंद केजरीवाल की आज की तमाम बैठक रद्द भी की गई है। हम देख रहे थे तस्वीरें किसानों के बीच पहुंचकर, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था किसानों के साथ हम हैं, भारत बंद का समर्थन करते हैं और किसी भी तरह की दिक्कत किसानों को ना हो अपनी तरफ से आम आदमी पार्टी हर वो संभव कोशिश कर रही है। लेकिन आज का ताजा अपडेट ये कि भारत समर्थन के बीच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में ही नजरबंद किया गया है और आम आदमी पार्टी अभी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। किसान लगातार कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच किसान संगठन ने आज भारत बंद का ऐलान किया है सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक। और इस बंद को आम आदमी पार्टी, टीआरएस और कांग्रेस के तरफ से समर्थन मिला है और इस समय हम आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स के सामने खड़े हैं और जैसे आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे और उनको ये आश्वासन दिया था कि वो किसानों के साथ खड़े हैं और वो सेवादार की रूप में किसानों से मिलने आए हैं, मुख्यमंत्री के तौर से नहीं, सेवादार के तरफ से मिलने आया है। और किसानों को ये आश्वासन दिया था कि जो भी उनकी जरूरत हो वो दिल्ली सरकार द्वारा दी जाएगी। लगातार केंद्र का ब्लेम दिया जा रहा है जो ऑपोजिशन पार्टीज को, कि ऑपोजिशन पार्टीज किसानों को भड़का रही है और लगातार केंद्रीय सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी है। इसी बीच जो आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, आज इस भारत बंद का समर्थन आम आदमी पार्टी, टीआरएस और कांग्रेस ने किया था और आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर के सामने का नजारा है ये, जहां पे कार्यकर्ता सुबह से आए हुए हैं और प्लैकार्ड्स लेके आए हैं जो कि साफ तौर से कह रहा है कि भारत बंद का समर्थन ये करते हैं। कैमरा पर्सन शुभाशीष के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ऑन द हाउस अरेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल? नो, इट इज नॉट एन एक्यूजेशन, इट्स अ रियलिटी, इट्स अ ट्रूथ। सिंस यस्टरडे व्हेन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वेंट एंड मेट द फार्मर्स एट सिंघू बॉर्डर, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी नर्वस एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सीएम टू लेंड सपोर्ट टू द फार्मर्स टूडे द कंडीशन इज ऑलमोस्ट लाइक अ हाउस अरेस्ट। द दिल्ली पुलिस हैज बैरिकेडेड ऑल द रोड्स towards the CM residence. Not even the MLAs are allowed to meet him, not even the maids are allowed to get into the house, even the chief minister is not allowed to come out of it. So what will be your next move, sir? We will all go to the CM's residence and expose the illegal acts of Delhi police. तो ये थे सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है और जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और वो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के साथ सीएम के घर जाएंगे और दिल्ली पुलिस ने कैसे उनको हाउस अरेस्ट किया है वो जनता को दिखाएंगे। कैमरा पर्सन सुभाषीष के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा और ज्यादा तस्वीरें सामने आने लगेंगी। ग्राउंड जीरो से लगातार इंडिया न्यूज संवाददाता अब तक ताजा अपडेट, ताजा तस्वीरें पहुंचाएंगे और इसी बीच हमारे एक एक करके संवाददाता जो जुड़े हैं हमारे साथ उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, उनसे हम ग्राउंड जीरो का अपडेट भी जानेंगे। मुंबई से उर्वशी खोना हमारे साथ हैं, चिल्ला बॉर्डर से अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ दिल्ली से राकेश कुमार सिंह मेरे सीनियर सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आपके साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, भारत बंद को लेकर ओपिनियन क्या है जरा बात कीजिए।
देखिए, आज विभिन्न किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है और उसमें से ऑल इंडिया किसान सभा ने भी इस बंद को आह्वान किया है। हमारे साथ ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हनान मोला साहब हैं। मोला साहब, आखिरकार बंद का आपने आह्वान क्यों? इसलिए किया कि ये जनवादी सरकार जब होता है ना तो जनता का आवाज सुनते हैं। हम 6 महीना से ये आंदोलन कर रहे, एक दिन नहीं है, 6 महीना। इस बार 2 बंद हो गया, लाखों लोग जेल भरो किया, सरकार के पास 1000 ऑफ थिंग ईमेल मीडिया भेजा प्रधानमंत्री के पास, मगर सरकार रिस्पॉन्ड नहीं किया। सरकार तो संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन आया है कि 6 महीना सो रहा था क्या? आप ही गंजा पी के सो रहा था क्या? जब ऑर्डिनेंस हुआ उस दिन 10,000 जगह में ऑर्डिनेंस कॉपी जलाया गया था। और संज्ञान नहीं लेना चाहिए, जनता इसमें नाखुश है। किसान से बात नहीं किया, किसान संगठन से बात नहीं किया, सिर्फ अदानी अंबानी का बात किया, उसको गुलाम है सरकार, उसको निर्देश में कानून लेके आए। आप लगातार जो है मॉनिटर कर रहे थे, आप देख रहे थे कि विभिन्न केरल में, पश्चिम बंगाल में लगातार जो है अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। नहीं, हम पूरा देश में बात हो रहा है, सुबह से बात है, खबर आया है, त्रिपुरा है, महाराष्ट्र है, केरला है, आंध्र है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, सब जगह, बिहार है। अच्छा बंद शुरू हुआ सुबह से, मगर दुर्भाग्य का विषय है कोई दलाल शायद एक प्रचार झूठ प्रचार कर दिया काल जो बंद 11 से 2 बजे, ऐसा नहीं है, बंद सुबह से शाम तक होता है। ऐसा प्रचार कुछ टेलीविजन चैनल भी ये गलत। अच्छा, एक एक चीज हनान मोला साहब, एक चीज महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जो है, कल आपकी बातचीत भी है सरकार से, और ऐसी स्थिति में सरकार जो है संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन अब 3 कृषि कानून को वापस लेना या रद्द करना ये सरकार के लिए आसान नहीं है, सरकार ने अपने स्पष्ट संकेत दे दिया है। मगर हमारा जो कहना है, जो 2-4 जगह में गलती हो तो सुधार सकते, जब A to Z गलती है सुधारने का गुंजाइश नहीं है। कॉस्मेटिक चेंज करके ये एंटी फार्मर एक्ट को प्रो फार्मर बना नहीं सकता। हमारा इसलिए है ये कानून, तुम किसी से बातचीत नहीं किया, किसान को भी ये मांग की मांगों को सरकार सुने, तत्काल रूप से कानून वापस ले। अगर कोई कानून नया बनाना है तो सभी लोगों को ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में बैठकर कोई उस पर साधक बाधक चर्चा हो, लोगों से, किसानों से सुझाव मांगे जाएं और एक नया कानून सबकी सहमति से बने, इसके हम पक्षधर हैं। जो कानून बनाया गया वो किसानों के माल की लूट करने वाला कानून है और कहीं ना कहीं इस कानून से देश में सिर्फ किसानों को नहीं, गरीबों को भी कोई संकट पैदा होगा, हम मानते हैं। FCI का पूरा ढांचा चरमरा जाएगा। अगर FCI चरमरा गई तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी की पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अगर सरकार के पास अन्य भंडारण नहीं होगा तो FCI के बाद कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, राशनिंग की व्यवस्था, वो भी पूरी तरह से खत्म होगी। हमें लगता है जो कानून बनाया गया है पूरी तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकारी खरीदी बंद करने वाला, FCI को ध्वस्त करने वाला, रेशनिंग व्यवस्था को ध्वस्त करने वाला ये कानून है। इस कानून से कहीं ना कहीं गरीब किसानों की फसलें, जो धन्ना सेठ हैं, कहीं ना कहीं वो लूट लेंगे और अपनी मर्जी से आम जनता को भी लूटने का कानून के तहत उनको अधिकार मिल रहा है। सर, MBA को लेकर यहाँ पे सरकार चल रही है, भारत बंद का असर ज्यादा नहीं दिख रहा है महाराष्ट्र पर, इस पर क्या कहना है सर आपका? सरकार ये ऐसा है, आज कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह का कानून है धीरे धीरे वो कानून के तहत सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। हमें लगता है कि इस कानून के तहत एक दिन में कोई एकाएक सारी चीजें बंद नहीं होंगी, लेकिन कानून के तहत आने वाले दिनों में खरीदी बंद हो जाएगी, FCI का सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, राशन पे लोगों को राशन नहीं मिल पाएगा। इस दिशा में ये कानून आगे बढ़ने का पूरा रास्ता खोल रहा है, इसीलिए इस कानून को वापस लिया जाए, किसान भी मांग कर रहे हैं और हम भी मांग कर रहे हैं। सर, ये बताएं कि किस तरह से कशा प्रकारे कराच्या बाबतीत नुकसान होऊ शकतं राज्य सरकार? नाही, असं बघा, APMC कायद्याच्या बाहेर विकण्याच्या शेतकऱ्यांना थेट आम्ही या राज्यामध्ये पण कुठेतरी अधिकार दिलेला आहे, पण पूर्णपणे APMC संपवण्याचा कायदा
या पद्धति ने और उर्वशी बनी हुई है। तमाम जो समूचा विपक्ष है वो सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और कह सकते हैं कि एक तरीके से मौका मिल गया है बैठे बिठाए किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर, लेकिन विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीति करने से बाज आ नहीं रही। चिल्ला बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, चिल्ला बॉर्डर पर भारत बंद का असर कैसा आप देख रहे हैं और कल तो सरकार से बातचीत होनी है, किसानों के मन जहन में क्या है? देखिए रचना, मैं आपको बता दूं कि चिल्ला बॉर्डर पर किसान 13 दिन से डटे हुए हैं और आज भी तमाम यहां पर किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं और वो यहां पर डटकर बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि हम यहीं से भारत बंद का जो आह्वान किया गया उसका समर्थन भी कर रहा हूं और उनको समर्थन मिल भी रहा है। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत सारे पदाधिकारी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं सीधे उनसे ही सवाल ही आपका ले लेता हूं। हमारे साथ देखिए डॉक्टर तरुण है क्योंकि प्रदेश उपाध्यक्ष है बाकियों के। डॉक्टर तरुण, कल वार्ता होने वाली और आज भारत बंद, कितना आपको समर्थन मिल रहा है? आज उन लोगों को किसान यूनियन की ताकत का पता चल जाएगा कि किसान भाइयों के अंदर ताकत कितनी है। और आज शाम को 5 बजे के बाद हमारी ऑलरेडी जितनी भारतीय किसान यूनियन भानु की टीम है और उसके साथ में जो भी किसान भाई हैं वो सब लोग 5 बजे के बाद यहां से कूच करना स्टार्ट कर देंगे। कल हमने महापंचायत रखी अपने जिला बॉर्डर पर। आप बताइए बार बार कर रहे हैं वार्ता को, हमारे पक्ष में थोड़ा कर रहे हैं वार्ता, वो वार्ता सरमाएदार के पक्ष में कर रहे हैं वार्ता। अब भी नहीं, आपके नेता वहाँ जा रहे हैं ना, तो वो भी क्या उनके पक्ष की बात कर रहे हैं? हमारे पक्ष मान कर रहे हैं, हमारे नेता की वो, हमारे नेता कोई नहीं मान रहे, सुनने हमारी बात नहीं मान रहे। बेगा जी हमारे साथ, क्या आज लगता है कि इस बंद का असर होगा कल के वार्ता पर और बात कुछ बन जाएगी? बिल्कुल बंद का असर होगा, पूरे देश का हर वर्ग हमारे साथ है क्योंकि देश का 70-80% तो किसान ही है। जो किसान देश को अन्न खिलाता है, दूध पिलाता है, फल खिलाता है और उसकी उसी के बच्चे देश की सीमा की रखवाली करते हैं, उसके साथ पूरा देश है। ये सिर्फ 2-4% जो पूंजीपति हैं जो किसान पर कब्जा करना चाहते हैं, सरकार किसानों को बेचना चाहती है, उसके पूरा देश खिलाफ है। ठीक है, हमारे साथ योगेश प्रताप भी है। योगेश, बहुत जल्दी से बता दीजिए कि आप 13 दिन से डटे हुए हैं यहाँ पर, कई बार ऐसा हुआ कि बात बिगड़ती हुई सी दिख रही थी लेकिन आप लोग फिर भी डटे हैं, कल जो वार्ता होगी, कल जो बातचीत होनी है, लगता है कि हाँ आप कम से कम सहमति की दिशा में दोनों पक्ष आगे बढ़ रहे हैं? हाँ बढ़ रहे, सहमति सरकार बढ़े, हम तो जी कह रहे हैं कोई दिक्कत ना है, पूरा देश देखेगा खुले मंच पे और मीडिया को लाइव चलवा के और बहस करें, पता चल जाएगा कौन गलत है कौन सही है। दूसरी बात बंद का असर की पूछ रही थी तो वहां हंसी आ रही है। जब इससे पहले 5वें दौर की बातचीत हुई थी उसके बाद कृषि मंत्री ने कहा था किसानों से सुझाव हमें चाहिए, जरूरी है, वो सुझाव अभी तक किसान नेताओं की तरफ से सरकार को दिए नहीं गए, तो बातचीत होगी कैसे, समाधान निकलेगा कैसे? देखिए ये थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है रचना, और यही समझना होगा कि किसान यूनियन के तमाम लोग यहाँ पर, देखिए चिल्ला बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन भानु के लोग हैं, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये भारतीय किसान यूनियन भानु के लोग हैं, लेकिन अलग अलग जो संगठन पंजाब से आए, हरियाणा से आए, उत्तर प्रदेश के भी टिकैत का जो संगठन है, तो ये तमाम लोग मिलकर वार्ता कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर पेच फंसता है कि क्या वाकई दोनों तरफ से जो सवाल किए गए थे या जो भी वहां पर संवाद में कमी आ रही थी या फिर जहां संशोधन की बात हो रही थी, कानून रद्द करने की बात थी या इनके कुछ और सुझाव थे, उस पर क्या दो तरफा बातचीत हो पाई है? कल की वार्ता में भी यही देखना होगा क्योंकि हमने देखा कि इसके पहले 5 दौर की वार्ता और वहां पर यही कमी रह गई, उधर से भी कुछ समझाया गया, इधर से भी सुझाव रखे गए, लेकिन अंत तक शाम तक ये खबर आती है कि असल में असहमति हो गई है और आज की जो बात है वो बेनतीजा है। लेकिन भारत बंद के माध्यम से तमाम जो किसान नेता है, किसान संगठन है और किसान है, वो कहते हैं कि इसमें हमें व्यापक सबका समर्थन मिल रहा है और हमारी बात जरूर सरकार समझेगी, ये उनकी उम्मीद भी, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ना उम्मीद होकर बैठे हुए हैं, राजनीति इसमें जरूर आ जाती। मैं बड़ा एक दिलचस्प चीज आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक बनारस के युवा भी आए हुए हैं, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, भाई आप बनारस से यहाँ पर आए हैं क्या करने, किसका समर्थन कर? किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए आए हैं, जो देश भर में जो किसान आंदोलन चला रहे हैं उस आंदोलन को हमारा समर्थन है। जी जी, तो देखिए अभी जगह जगह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई है, हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हमने चिल्ला बॉर्डर का हाल बताया आपको, हमने मुंबई का हाल बताया आपको, हमने दिल्ली का हाल बताया आपको, और देखिए सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक ये प्रदर्शन है और लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आपको ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आज किन किन चीजों पर रोक रहेगी, किन किन चीजों पर किसानों के द्वारा छूट दी गई है, तो देखिए जगह जगह चक्का जाम किया गया है, लेकिन जैसे अस्पताल हो गए, एम्बुलेंस हो गई, मेडिकल सुविधाएं हो गई, इन पर किसी भी प्रकार की रोक
किसानों की ओर से नहीं लगाई गई है। मेडिकल शॉप खुली रहेंगी, हॉस्पिटल्स ओपन रहेंगे, एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए मंडी बंद रहेगी, एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा। कई इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है और अगर शादी किसी की पहले से आज की डेट में तय है उस पर भी किसी प्रकार की रोक नहीं है। हालांकि रेल सेवाएं बंद नहीं की गई हैं, लेकिन कई जगह पर प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर उतर आए हैं और ट्रेनों को भी रोकने की कोशिश की गई। हमने महाराष्ट्र की तस्वीरें आपको दिखाई, हमने ओडिशा की तस्वीरें दिखाई, हमने आंध्र की तस्वीरें दिखाई, हमने प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखाई। तो ये तमाम वो राज्य है जहां पर ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है आज के प्रदर्शन से। बिल्कुल, और आप प्रभावित पूरे देश में, देश के कोने कोने में किस तरह से चीजें हैं हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन के जरिए दर्शकों तक रख रहे हैं, समझा रहे हैं। आप समझ पाएंगे कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्या आपको खुला मिलने वाला है, क्या बंद होगा, जैसे आपको परेशानी हो सकती है। तो आप समझ लीजिए एम्बुलेंस के लिए रास्ता मिल रहा है, उसका भारत बंद पर कोई असर नहीं है। मेडिकल स्टोर, अगर आपको जरूरी दवाइयां लेनी है आप ले सकते हैं, और अस्पताल, शादियों के आयोजन, इस पर किसी तरह की पाबंदी किसानों के जरिए नहीं हो रही है। ये किसान पहले ही साफ कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा सब्जी मंडी, फल मंडी, यातायात पर इसका सीधा सीधा असर है और इसीलिए कल शाम बहुत ज्यादा सड़कों पर भीड़ थी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा प्रभावित था क्योंकि सभी लोग अपने जरूरी सामान को खरीद कर पहले से रख लेना चाहते थे। क्योंकि आज भारत बंद का असर 11 बजे से 3 बजे के बीच में चक्का जाम तो जरूर रहेगा, लेकिन बाकी पूरे दिन के बाकी घंटों में भी यह प्रभाव नजर आएगा। भारत बंद का असर कैसे है, क्या बंद है, क्या खुला है, घर से निकलने से पहले यह तमाम जानकारी आपको जान लेनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ बॉर्डर पर स्थिति कैसी बनी हुई है, चिल्ला बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, हमारे संवाददाता लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और मुंबई का हाल ऐसा है, वहां एनसीपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, उर्वशी ने कुछ देर पहले की तस्वीरें हम तक पहुंचाई। बिल्कुल, और चलिए एक बार फिर से सीधा रुख कर लेते उर्वशी का, जो कि मुंबई से लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। उर्वशी, फिलहाल महाराष्ट्र में इस बंद का कितना असर दिखाई दे रहा है? देखिए सुबह 11 बजे से बंद का आह्वान किया गया था, हमने सुबह महाराष्ट्र की तस्वीरें देखी थी कि जो किसान है वो रेलवे ट्रैक पर उतर आए थे, हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस ने खाली करा लिया। लेकिन फिलहाल इस वक्त मुंबई में स्थिति क्या बनी हुई है? चुने हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आज जिस तरह से ये प्रदर्शन आप कर रहे हैं, एक क्या मैसेज दे रहे हैं और आप लोग की ओर से क्या लूप होल्स है, आप क्या रहे है कि तीन कानून जो बनाए गए उसे तत्काल रूप से किसान भी मांग कर रहा है, 26 राजनीतिक दल भी मांग कर रहे हैं, और मांग ये है कि कानून तत्काल रूप से वापस ले लिया जाए। अगर कोई सुधार का कानून बनाना है तो निश्चित रूप से सर्वसहमति से कानून बनाया जाए और कंकरेंस लिस्ट होने के बाद राज्यों को अधिकार दिया जाए कि उस मॉडल एक्ट को लोग स्वीकारना चाहते हैं कि नहीं। कानून बना के लादने की जो परंपरा बनाई गई है उसे तत्काल रूप से रोका जाए, ये हमारी मांग है। सर, अटेंडेंस को लेकर क्वेश्चन किया गया था कि एनसीपी का अटेंडेंस कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में था, एनसीपी का रोल पार्लियामेंट में अलग था। भारतीय जनता पार्टी अपने अटेंडेंस को लेकर देखे, अगर आपने कोरोना काल में लोगों की बैठक अलग अलग जगह पे लगा दी और फिर पूछ रहे हैं कि कौन नजर नहीं आया, किसको कहां बिठाया था, ये बताएंगे क्या? उर्वशी, पूछिए ना, शरद पवार की जिस चिट्ठी को सरकार के जरिए रविशंकर प्रसाद ने सामने रखा, उस चिट्ठी के जिक्र पर एनसीपी क्या जवाब दे रही है? शरद पवार खुद उन संशोधनों की मांग कर रहे थे, चिट्ठी उन्होंने लिखी थी, तत्काल रूप से वापस लिया जाए, जो दबाव बीजेपी पे बढ़ रहा है उसके लेके बीजेपी परेशान। लेटर जो बाहर आए थे उसको लेकर एनसीपी क्या कहती है? शरद पवार जब वो देखिए, ऐसा है, सिलेक्टिव लेटर लीक करने से राजनीति बदल नहीं जाती। कोई अगर मॉडल एक्ट है, कंसेंसस बनाया जा रहा है सुधार को लेके, उसके विरोध में आज हम नहीं है, लेकिन हमने कोई कानून बना के देश के राज्यों पे लादा नहीं है। बीजेपी पवार साहब से इसलिए घबरा रही है कि पवार साहब के नेतृत्व में लगभग 26 दल इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं देश में किसान पूरी तरह से सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया, अब कंफ्यूजन फैला के विपक्षी पार्टियां अपना अपना रुख साफ कर रही हैं, अपना अपना पक्ष रख रही हैं उर्वशी। लेकिन अब सरकार ये कह रही है, अब एनडीए कार्यकाल में जिस कृषि बिल को पास करके कानून बना दिया गया, यूपीए कार्यकाल में भी इन सभी संशोधनों की तैयारी थी, लेकिन अब मौका मिलते ही सरकार पर सवाल ये तमाम पार्टियां खड़ी कर रही हैं, राजनीति करने की पूरी कोशिश है। अपडेट लगातार आप तक